बीएससी होम साइंस अप्लाइड फिजिक्स वीडियो लेक्चर फोर्थ यूनिट फर्स्ट बाय ट्विंकल। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम घिरनी पढ़ चुके थे, मतलब पुलिस, टाइप्स ऑफ पुलिस। नाउ अब हमारा टॉपिक है कि कितने टाइप्स की होती हैं। पहली है अचल घिरनी, स्थिर एक घिरनी वाला यंत्र। दूसरा है हमारा चल घिरनी, इसका मतलब है एक से अधिक घिरनी वाला यंत्र। पहली आती है अचल घिरनी, स्थिर एक घिरनी का यंत्र, मतलब इसमें एक ही घिरनी होती है बट वो स्थिर होती है। यदि एक घिरनी अचल आधार से बंधी होती है, अचल आधार मतलब फिक्स्ड पॉइंट, कहीं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से बंधा होता है तो उसे अचल घिरनी कहते हैं। इस घिरनी का यंत्र स्थिर होता है, तो जो इसमें यंत्र लगा होता है वो स्थिर है, एक जगह पर लगा होता है। चौकठे से जड़ी हुई घिरनी, या फिर मतलब उस घिरनी को हम किसी दरवाजे के चौकठे पे लगा सकते हैं, या फिर एक हुक बना लिया लोहे का, उसके सहारे उसे लटका दिया जाता है, या इसमें चौकठे को ही जिस पे हमने अपनी घिरनी लटकाई हुई है उसे ही एक स्थिर स्थान पे जड़ दिया जाता है, मतलब लटका दिया जाता है। यहाँ यांत्रिक लाभ अगर हम देखें तो यांत्रिक लाभ एक होता है। अगर हम घर्षण लें, घर्षण की वजह से वो जो घिरनी है, वो जो लटकती है, वो घूमती है, उसमें कुछ घर्षण आता है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा इस कारण से एक से कम होता है, अगर हम घर्षण को भी व्यवहार में लें। अगर नहीं लेते तो यांत्रिक लाभ क्या है, एक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, प्रकार हैं, जैसे बोझ उठाने में हम इस पुली का इस्तेमाल करते हैं, अचल घिरनी का, पाल उठाने में, पर्दा खींचने में, या फिर जो कुएं से जल खींचा जाता है उसमें भी इस घिरनी का इस्तेमाल किया जाता है। दिया गया चित्र हमारे अचल घिरनी का एग्जाम्पल है। देखिए पहले वाले चित्र में क्या है, यहाँ पे जो अचल घिरनी है एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फट्टे से लगा के यहाँ पे क्या किया हुआ, फिक्स्ड किया हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे जो एफओ है वो क्या है, यहाँ पे आउटपुट निर्गत बल हो गया, और इनपुट क्या है हमारा, निवेश बल, कि हम एक एफआई को तरफ खींच रहे हैं और एफओ पे जो भी हमारा बल लग रहा है इस गोल गोल घूम के आ रहा है, तो ये एक जगह पर फिक्स्ड है, ये गोल गोल घूम के हमारा घिरनी की तरह ये पुली का एग्जाम्पल है। दूसरा चित्र है, इसमें हमारी दो पुली लगी हुई है और दोनों ही क्या है हमारी, फिक्स्ड हैं, एक जगह एक फिक्स्ड पॉइंट पे ये दोनों फिक्स है। एक तरफ लगा हुआ हमारा इनपुट बल, इनपुट फोर्स, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ हमारा, आउटपुट फोर्स, निर्गत बल और निवेश बल। चल घिरनी, एक से अधिक घिरनी वाला यंत्र, इसमें अगर हमें जिस वस्तु को उठाना है उसे ही उसी पे हमारी घिरनी संबंधित है, मतलब वो हमारी घिरनी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। तो साधारण तौर पर जो चलायन मान है, चलायन मान मतलब जिस भार को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठाना है, वो घिरनी युक्त यंत्र एक घिरनी के बजाय एक से अधिक घिरनी लगी होती है। अगर हमारी दो घिरनी लगी है और एक पे क्या है कि हमने चलायन मान मतलब जो हमारा भार है वो लगा लिया, और दूसरी क्या है हमारी फिक्स्ड पॉइंट पर लगी हुई है, तो दो घिरनियों वाले यंत्र को भी चल घिरनी कहते हैं। इस प्रकार दो घिरनी युक्त यंत्र में एक घिरनी चलायन मान में होती है, एक घिरनी तो चलायन मान में, और दूसरी घिरनी क्या है स्थिर मान में लगी होती है, तो ये क्या हो गया आपकी चल घिरनी, जिसमें हमारा मान को अपनी घिरनी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इसमें रस्सी का एक सिरा तो स्थिर मान में बंधा होता है, मतलब कि जो जो हमारी घिरनी जो चरखी है जो स्थिर है वो वहाँ पे हमारा रस्सी से लगा होता है, फिर रस्सी को चलाए वाले मान से मतलब जहाँ पे बोझ लगा हुआ है वहाँ से निकाल के उस दूसरे घिरनी में रस्सी को निकाला जाता है, इससे दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है जहाँ पे वो चलायमान वाली चरखी लगी हुई है, फिर बोझ को चलायमान घिरनी के चौकठे से लटकाया जाता है। इस प्रकार यहाँ यांत्रिक लाभ दुगना होता है। इस प्रकार एक के बजाय दो चलायमान घिरनी युक्त यंत्र में बोझ की तुलना में एक चौथाई आयास की ही आवश्यकता होगी, अर्थात यांत्रिक लाभ चार गुना होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंच। मोटर गाड़ी में जब पंचर होता है तब हमें उस पहिए को हटाकर दूसरा पहिया लगाना पड़ता है। आपको मालूम हो तो कितनी आसानी से हम जैक की सहायता से मोटर गाड़ी को एक तरफ से उठाते हैं। जैक यहाँ एक प्रकार की पेंच मशीन होती है और इसके उपयोग तब होता है जब हमें बहुत अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। चित्र में एक पेंच बताया गया है, इसमें चूड़ियाँ कटी हुई हैं, दो चूड़ियों के बीच के अंतर को चूड़ी अंतराल कहते हैं, यह जितना कम होगा उतना अधिक यांत्रिक लाभ हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए निवेश बल एफआई लगाकर हम इस पेंच को 2πr परिधि में घुमाते हैं, तो इसमें यदि जो निर्गत बल जो हमारा आउटपुट फोर्स है वो एफओ निकल के आता है तो वह चूड़ी अंतराल एच की दूरी से वहाँ पे घुसता है या फिर धसता है पेंच हमारा।
दिए गए चित्र में अगर हम FI लगाते हैं, FI क्या है हमारा, निवेश बल, ठीक है, वो क्या है, अगर उसे घुमाएंगे हम तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, और उस पर जो आउटपुट निकलेगा FO निकलेगा, निर्गत बल निकलेगा, वो अंदर धसेगा पेंच, ठीक है, कितनी दूरी तक धसेगा, धसेगा वो होगा हमारा H, ठीक है। तो हम कैसे फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं इसे, FI गुना परिधि, परिधि कितनी थी, 2πr, क्योंकि हम उसे पेंच को गोले में हम घुमा रहे हैं, 2πr बराबर FO, FO क्या है ना हमारा निर्गत बल, और कितनी दूरी तक धसा वो हमारे H तक, तो हम इसे लिख सकते हैं FO अपॉन FI बराबर 2πr अपॉन H, जैक पेंच इस आधार पर बनाया जाता है, ये इसकी आधार फॉर्मूला है। दिए गए चित्र में हम हत्ते H को FI बल लगाते हैं, ये हमारा हत्ता है H, इस पर हम FI निवेश बल लगाते हैं, तो वो कितना गोल, कितनी परिधि घूमेगा, 2πL, L कितनी है उसकी लेंथ है, इस लेंथ से वो घूमेगा, तो वो भार FO को चूड़ी अंतराल से, जो हमारा भार है FO है, निर्गत बल है, उसे चूड़ी अंतराल H, मतलब वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो चूड़ी अंतराल H की दूरी से वो ऊपर उठाया जाता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बना हमारा, निर्गत बल अपॉन निवेश बल, FO अपॉन FI बराबर 2πr की जगह, क्योंकि ये L लेंथ से इसकी परिधि को घुमाया है, तो 2πL अपॉन H, H क्या है, इसकी दूरी से, अंतराल से इसे ऊपर की तरफ उठाया गया है। इस प्रकार यांत्रिक लाभ को बहुत अधिक किया जाता है। इस मशीन के अन्य उदाहरण हैं पत्र दाब शिकंजा, लकड़ी छेदने का बर्मा, और घर में जो गृहिणी की सहायता करने के लिए अनेक यंत्र उपकरण काम में आते हैं, उनमें से हम देख सकते हैं कि किसी न किसी रूप में यहाँ वर्णन सरल मशीनों के सिद्धांत काम में आते हैं। वैक्यूम क्लीनर, नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूम क्लीनर, वर्किंग नॉलेज ऑफ वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, ये इस यूनिट का सेकंड पार्ट में आता है। अब देखिए, सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का अलग ही स्थान है, यह यंत्र के माध्यम से सुगमतापूर्वक फर्श, दरी और कालीन आदि साफ की जाती हैं, इसके द्वारा सफाई का कार्य कम से कम समय में शीघ्रता से एवं ज़्यादा अच्छी तरह से किया जाता है। अब आता है वैक्यूम क्लीनर का सिद्धांत, प्रिंसिपल, यह यंत्र दरी, कालीन आदि की धूल मिट्टी को अपनी ओर खींच लेता है, इसमें एक वायुमंडलीय दबाव होता है, हवा होती है, वह कम दबाव वाले स्थान पर जहाँ पर हवा का दबाव कम है वहाँ पर ले जाकर उसे धूल मिट्टी को अपनी तरफ धकेलता है, और धूल मिट्टी मशीन को अंदर खींच जाती है, और एक थैला लगा होता है इसमें, संलग्न थैला, उसमें वह सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इस तरीके से ये वैक्यूम क्लीनर इस प्रिंसिपल पर हमारे बेस्ड होता है, जिसमें धूल मिट्टी कम दबाव वाले से ज़्यादा दबाव की ओर खींच जाती है।